अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज मैं चाइनीज लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट इन उर्दू के लेक्चर नंबर 3 के साथ हाजिर हूं। तो दोस्तों, लेक्चर नंबर 3 में आज हम क्या देखने वाले हैं, बहुत ही स्पेशल है। ये देखें, चाइनीज काउंटिंग। ठीक है, जैसा कि हर लैंग्वेज के अंदर एक अकाउंटिंग होती है, उसको बोलने का, अदा करने का एक तरीका होता है। जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड अप टू सोन, इस तरह चलती जाएगी। इसी तरह उर्दू में 1, 2, 3, 4, अरबिक में अहद सानी, ठीक है, इस तरह करके कुछ। तो इसी तरह चाइनीज की भी अपनी काउंटिंग है, तो काउंटिंग को बोलने का एक तरीका है। तो इस लेक्चर में हम उस चाइनीज काउंटिंग को देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। उसके अलावा हम मुख्तलिफ तरह के जो गेस्चर्स होते हैं, मतलब इशारे जो होते हैं, वो भी हम देखेंगे कि वो उन अदाद को इशारों में किस तरह से जाहिर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि चाइनीज जो होते हैं वो बाज़ुकात बोलते नहीं है, वो इशारे में भी बात कर जाते हैं, तो वो इशारों को भी हम देखेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि उर्दू के अंदर भी पहला वर्ड है जी एक, इंग्लिश के अंदर है वन, तो चाइनीज में उसको क्या कहते हैं, ई वाई आई। ई प्रोनाउंस कैसे करेंगे, जिस तरह इंग्लिश का ई होता है। ई मतलब क्या, वन यानी एक। ई ई ई वन यानी एक। और इसको देखें, जाहिर करने का तरीका ये है, ये इसका एक को जाहिर करने का तरीका है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है जी और, और ई आर, और मतलब क्या है, टू यानी दो। और ये इसको प्रोनाउंस करने का तरीका है, और, 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 ठीक है, इस तरह से हमने बोलना है। और ई को बोल के आगे आर थोड़ा सा बोलना है बस, और यानी टू। और इसको, इसका इशारा ये है, देखें इसको ऐसे ऐसे भी अगर आप किसी चाइनीज को इशारा कर देंगे तो वो समझ जाएगा वो दो है। उसको, उसके बाद है हमारे पास जी एस एन, सन। सन सूरज वाला, जिस तरह हम सूरज को बोलते हैं ना सन, इसी तरह सन एस एन चाइनीज में कैसे है, एस एन। और इसका मतलब क्या है, थ्री, तीन, थ्री यानी तीन। और इसका इशारा क्या है, ये देखें, तीन को इस तरह से आपने इशारों में जाहिर करना है। सन 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 यानी थ्री, ठीक है, सन। उसके बाद है जी हमारे पास एस आई, इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, कैसे बोलेंगे, स स, पीछे से थोड़े से दांत खोल के उसको आगे आहिस्ता आहिस्ता फिर बंद कर देना है, स स स यानी फोर, चार। ठीक है, और इसको इशारे में इस तरह से जाहिर किया जाएगा, स, पीछे से दांतों को थोड़ा सा खुला रख के फिर आगे लाके उसे बंद कर देना, यानी स, ये स मीन फोर, चार। उसके बाद हमारे पास डब्ल्यू यू वू, ठीक है, वू, इसको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे, और मतलब है फाइव यानी पांच। और इसका इशारा ये देख सकते हैं आप, ठीक है, पांचों उंगलियों को खोल के आप इसको जाहिर कर सकते हैं। अभी तक तो जो इशारे हमने देखे हैं वो ऐसे ही हैं जैसे हम उर्दू या इंग्लिश में भी इसी तरह से इशारे करते हैं। तो वर्ड है हमारे पास वू 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 वू, मीन पांच, फाइव। ठीक है, उसके बाद ये देखिए हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आ गया अदद, ल्यू, एल आई यू, ल्यू, लेओ नहीं इसको पढ़ना, लेओ, लेओ नहीं पढ़ना, गलत है, ल्यू ल्यू ली यू, ठीक है, ल्यू ल्यू मीन सिक्स यानी छ। और इसका देखें अब इशारा, हाथ से इसका अगर आपने छ को जाहिर करना है तो ये देखें इशारों में आप इस तरह से जाहिर कर सकते हैं छ को, ल्यू। ठीक है, उसके बाद आ गया जी हमारे पास क्यू आई, छी छी, छी मीन सेवन, सात। चाइनीज के अंदर क्यू असर को हम छ के तौर पर प्रोनाउंस करते हैं, जिस तरह इंग्लिश में सी एच होता है तो इसी तरह उर्दू में छ, ठीक है, तो क्यू भी छ के, छ की तरह प्रोनाउंस किया जाएगा। तो क्यू आई मीन
क्यू आई को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? छी की नहीं, छी छी छी, मतलब 7। और इसको इशारों में गेस्चर इसका किस तरह से है ये देखें। ओके, उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट अदद, पा, बी ए पा। चाइनीज में बी को कैसे प्रोनाउंस करते हैं? पी के तौर पर, पे के तौर पर। तो ये क्या है? पा 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 मीन 8, यानी 8। ठीक है, और इसका इशारा ये देख सकते हैं, पा पा। और इसके बाद है हमारे पास जी जे आई यू, च्यो, जिस तरह हम पंजाबी में कहते हैं ना प्यो, क्यों, घी को कहते हैं क्यों पंजाबी में, तो उसी तरह से आपने ये बोलना है, च्यो, चियो नहीं कहना इसको, च्यो, च्यो मीन 9, यानी 9। और इसका हाथ से किस तरह से इशारा करना है? अगर नो, अगर आप हाथ से बोलना चाहते हैं तो ये देखें, ये इसका इशारा है नो का चाइनीज के अंदर। तो कैसे इसको बोलना है? जिस तरह हम पंजाबी में कहते हैं ना क्यों, प्यो, बाप को कहते हैं प्यो, तो इसी तरह इसको भी उसी तर्ज के अंदर बोलना है, च्यो 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 मीन 9, 9। उसके बाद जी लास्ट हमारे पास इस लेक्चर का वर्ड है जी एस एच आई। देखने में लग रहा है शी, लेकिन हमें इसको शी नहीं बोलना है, इसको बोलना है शिर, आर साथ में। देखिए इसको प्रोनाउंस करने का, बोलने का तरीका है शिर, समझ ले इसके साथ एक छोटा सा यहां पे आर है। तो कैसे बोलेंगे इसको? शिर, शिर मतलब 10, यानी 10। और इसको हाथ से जाहिर करने का ये आपने एक मुक्का बना लेना है, ठीक है, ये 10 को जाहिर करने का तरीका है चाइनीज में। तो कैसे बोलेंगे हम इसको? शिर, 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 शिर मीन 10, 10। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद जो 99 तक काउंटिंग को देखेंगे, गिनती को देखेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर भी जरूर देखिएगा। और फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।